नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम जेट एयरवेज की एक नई अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली एविएशन रिलेटेड कोई भी अपडेट आप ना मिस कर सकें। दोस्तों, जेट एयरवेज के लेनदारों की समिति ने सोमवार को संकल्प योजना को अंतिम रूप देने के लिए 15 नवंबर तक का समय लेने वाली एयरलाइन सिनर्जी ग्रुप को समय देने का फैसला कर लिया है। और सिनर्जी ग्रुप ने 15 नवंबर तक समय लिया है और कहीं ना कहीं 15 नवंबर तक ही वो अपना फाइनलाइज जो खरीदने का विचार है वो पेश करेंगे, यानी रिवाइवल प्लान पेश करेंगे। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि कोलंबियाई समूह को एयरलाइन में निवेश करने के लिए बर्ड ग्रुप के साथ विचार विमर्श किया गया था, सूत्रों ने एफ ई को बताया है ऐसा। और आपको बता दें, भारत और विदेशों में विमानन प्रबंधन और अन्य सेवाएं प्रदान करता है सिनर्जी ग्रुप, और सिनर्जी को दिए गए अतिरिक्त समय के साथ संकल्प को दिसंबर तक धकेल दिया जाएगा कार्रवाई के करीबी सूत्रों ने ऐसा बताया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जेट एयरवेज का रिवाइवल अब दिसंबर तक जाने की संभावनाएं बन रही हैं, पर पॉजिटिव न्यूज़ ये निकल कर आ गई है कि अब जेट एयरवेज का कुछ हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं जेट एयरवेज के लिए फाइनल रिजोल्यूशन प्लान सबमिट 15 नवंबर तक हो जाएगा। ये है आज की अपडेट, कैसे लगी आपको कमेंट करके बताइए। आपसे फिर मिलने की आशा करते हुए मैं हूँ आपका दोस्त विनायक, आपसे अभी के लिए विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर, बाय।